थर्ड टाइम गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अभी तो सब कुछ ऑन है, सो वी आर ऑन। चलो आ जाओ। सो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, क्विकली एक बार उसका कैचअप करते हैं। क्या क्या हुआ? 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तीन चीजें हैं। बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स की अपने को निकालनी है, 6 से 7। तो उसके मास्टर फॉर्मूला को कवर किया। सो कर्व सरफेस एरिया का मास्टर फॉर्मूला क्या सीखा हमने? पेरीमीटर ऑफ बेस, कोई ऑब्जेक्ट किस बेस पे टिका हुआ है, उस बेस का पेरीमीटर इंटू इट्स हाइट, उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है? आप कर्व सरफेस एरिया तो निकाल ही चुके हो। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है दीवारों का एरिया, दीवारों का एरिया। जैसे ये रूम है तो इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये चार दीवारों का एरिया, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। और उसमें अगर मैं बेस का एरिया भी जोड़ दूं, बेस मतलब ये बेस एंड इसके अपोजिट ये बेस, आमने सामने के दो बेसिस को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? जो बेस है उसका एरिया निकाल लो, जो बेस है उसका एरिया निकाल लो, जैसे फ्लोर का एरिया निकाल लो और इसको इस रूम की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर जो वॉल्यूम है वो उसका उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर की खाली जगह, ऑब्जेक्ट के अंदर की खाली स्पेस। ठीक है, खाली स्पेस है ना। स्पेस का मतलब समझो, देखो स्पेस एक तो होता है, एरिया को भी अपन कई बार स्पेस बोलते हैं ना, वो वाला स्पेस नहीं, जो रियल स्पेस होता है, रियल में स्पेस ये होता है, ये खाली जगह। जैसे जिसमें जिसमें अभी मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये जिसमें मेरे हाथ हिल रहे हैं, जिसमें हम सब बैठे हैं, जिसमें हम मूव कर रहे हैं, ये खाली स्पेस, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बात करें, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड इस वॉल्यूम। ओके ना, स्पेस बोल दो, ब्रह्मांड बोल दो, अंतरिक्ष बोल दो। ठीक है, क्लियर है? ये होता है वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट के अंदर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? उसके बेस का एरिया निकाल के इंटू हाइट। चलो, तो अब पहला ऑब्जेक्ट उठाते हैं 6 में से। क्या नाम थे? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्यूबॉइड। नोट करते जाओ और इसके बारे में सीखते हैं। आज क्यूबॉइड एंड क्यूब को कवर करेंगे। क्यूबॉइड देखो क्या कहते हैं, एक क्यूबॉइड इज अ 3D ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका बेस रेक्टेंगल होता है, जिसका बेस क्या होता है? एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसका बेस क्या हो? रेक्टेंगल हो। या सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर रेक्टेंगल को हाइट दे दें तो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या कहा मैंने? रेक्टेंगल को हाइट दे दें। सुनो इधर, ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे मैं, ये फ्लोर एक 2D प्लेन है, ये फ्लोर एक 2D प्लेन है, इस पर अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं तो बन जाएगा, और उस रेक्टेंगल को मैं हाइट दे दूं तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल को हाइट दे दो वो क्यूबॉइड बन जाएगा, या क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल होता है, कहीं से भी पकड़ लो बात को। ओके ना, अच्छा जी, अब इस क्यूबॉइड के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो इस क्यूबॉइड के बारे में जब भी मैं आपको बताऊंगा, क्यूबॉइड के डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो वी विल मेक यूज ऑफ दिस रूम। इस रूम को देखना आप, है ना, इस रूम, ये रूम भी एक क्यूबॉइड है। जनरली जो रूम्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के ही होते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूबॉइड है या नहीं है उसकी बात अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे, बट कैजुअली बात करें तो क्यूबॉइड होते हैं। परफेक्ट क्यूबॉइड इसलिए नहीं होते क्योंकि जैसे अभी ये थोड़ा आगे, ये थोड़ा पीछे, तो परफेक्ट क्यूबॉइड नहीं है मानते बात, लेकिन फिर भी एक क्यूबॉइड की तरह इसको सोचा जा सकता है। ओके ना, तो एक क्यूबॉइड में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? कोना। वर्टेक्स इसका प्लूरल, वर्टिसेस। तो कोना क्या होता है? जहां पे साइड आके मिलती है। कोना क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल की एक साइड ये है, एक साइड ये है, कहां आके मिली? एक पॉइंट पे आके मिली, उस पॉइंट को उसका वर्टेक्स कहूंगा। क्या कहूंगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब साइड आके मिले। तो क्यूबॉइड का वर्टेक्स क्या होगा? जहां क्यूबॉइड की साइड्स आके मिले, और क्यूबॉइड की 3 साइड्स होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों जिस पॉइंट पे आके मिलेगी उसको कहेंगे कोना। अब इस रूम को देखो बेटा, इस रूम को देखो, इस रूम की लंबाई इसको कहोगे आप, ये लंबाई कहोगे, ये चौड़ाई कहोगे, और ये ऊंचाई कहोगे, कहोगे लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है कहां आके मिलती है, देखना ध्यान से, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट इस कोने में आके मिल रही है, नहीं मिल रही है बोलो। चलो ऊपर देखते हैं, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट उस कोने पे भी मिल रही है, उस कोने पे भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, बोलो। अच्छा उधर दिखाऊं, उस दरार को देखो, मतलब जहां पे दीवार और फ्लोर टच हो रही है, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, जहां पे दीवार और फ्लोर टच हो रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको लेंथ कहूंगा,
और वैसे ये दीवार और ये फ्लोर टच हो रही है, इसको भी लेंथ या ब्रेथ कह सकता हूँ। एक्चुअली लंबी वाली को लेंथ कहते हैं, छोटी वाली को ब्रेथ कहते हैं। तो जैसे ये ज्यादा लंबी है तो इसको लेंथ कह दिया, उसको ब्रेथ कह दिया, और हाइट मतलब ये, तो उस कोने पे भी मिल रही है, उस कोने पे भी मिल रही है, उधर भी, उधर भी, उधर भी। तो आठ कोने गिन लिए क्या आपने, बताओ? चार तो जमीन पे, एक दो तीन चार, चार ऊपर है, एक दो तीन चार, यस और नो? सो एक क्यूबॉइड में एट वर्टिसेस होते हैं, इज इट क्लियर टू यू? ओके, उसके बाद 12 एजेस होती है। एजेस का मतलब वही साइड्स, अभी जो मैं कह रहा था ना, दीवार और ये जहां पे मिलेंगे, मतलब ऐसे मानो फ्लोर का दीवार से इंटरसेक्शन एक लाइन पे होगा, लाइन का लाइन पे इंटरसेक्शन, लाइन का, इधर सुनो तो सही, लाइन का लाइन से इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे होता है, होता है। तो जब हम इंटरसेक्शन करवाते हैं तो एक डायमेंशन पीछे चले जाते हैं, लाइन 1D है, वन डायमेंशनल है लाइन, इंटरसेक्शन जीरो डायमेंशनल पॉइंट पे हो रहा है, हो रहा है। तो अब ये जो दीवार है ये टू डायमेंशनल है, ये फ्लोर भी टू डायमेंशनल है, तो इनका जब इंटरसेक्शन होगा तो एक डायमेंशन पीछे चल जाओ, लाइन पे आ गए, 2D से 1D पे आ गए। तो ये जो लाइन है जिसपे फेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसपे दीवारें इंटरसेक्ट कर रही है, इन लाइन्स को बोलते हैं एजेस या फिर साइड्स। और ऐसी 12 12 गिनवा दूं आपको, देखो इधर इस रूम में गिनवा रहा हूं, एक दीवार से फ्लोर का इंटरसेक्ट हो रहा है, देखना दीवार से फ्लोर का टच हो रहा है, एक ये दीवार से फ्लोर टच हो रहा है, दो ये दीवार से फ्लोर टच हो रहा है मेरे पीछे से जा रहा है, तीन और उस सामने वाली दीवार से फ्लोर टच हो रहा है, चार, ऐसे चार के चार ऊपर भी होंगे, एक दो तीन चार, और इन चार को इन चार से जोड़ने के लिए एक दो तीन और चार, तो 12 एजेस गिन ली बेटा अच्छे से। जितना शिद्दत से क्यूबॉइड समझोगे आगे के फिगर्स उतने अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे बेसिक है ये, 3D का सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो 12 एजेस होते हैं क्यूबॉइड में और 6 फेसेस होते हैं, फेसेस मतलब दीवारें, 6 फेसेस गिना दूं, चार तो दीवारें हैं, एक फ्लोर है और एक टॉप है, सीलिंग है, तो ये 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में, 8 कोने, 12 एजेस एंड 6 फेसेस होते हैं, होते हैं बेटा, लिख लिया यहां तक 6 फेसेस तक, यहां तक लिख लिया। ओके, अब अपने को एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, क्यूबॉइड ड्रॉ करने का तरीका सुनो, वैसे तो क्यूबॉइड एक 3D ऑब्जेक्ट है, 2D प्लेन पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, बट फिर भी करना है तो करना है तो जुगाड़ से करना पड़ेगा, तो देख लो जिसको नहीं आता एक बार देख लो, आता अच्छी बात है, नहीं आता देख लो। आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, कर दिया, अब थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ, थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ या अंदर जाता हुआ एक और रेक्टेंगल बनाओ, सेम डायमेंशन का बनना चाहिए, लेकिन जिस लेंथ और ब्रेथ का ये बनाया है उसी लेंथ और ब्रेथ का बनना चाहिए। तो कोशिश करते हैं एक और, देखो कितना बाहर निकाल दो, दो रेक्टेंगल बना दिए, अब कोने से कोना जोड़ दो, ये वर्टेक्स से वर्टेक्स जोड़ दो, ये वर्टेक्स से वर्टेक्स जोड़ दो, इससे ये जोड़ दो और इससे, तो ये होता है जुगाड़ू तरीका टू ड्रॉ ए क्यूबॉइड ऑन ए 2D प्लेन। आता होगा शायद, बनाया होगा आपने, जिसको नहीं आता वो सुन, ठीक है, हो गया ये यहां तक, मतलब ड्रॉ करना सीख गए, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सो दिस इज द क्यूबॉइड गिवन, अब जो कोने होंगे वो तो पॉइंट है, देखो जो कोने होंगे वो क्या है, पॉइंट, पॉइंट को सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, जो एज होगी वो लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट को टू कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, CD, और जो फेस होंगे वो एक रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल को चार कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, समझ गए क्या? तो 12 जो सॉरी 8 जो कोने हैं वो तो सिंगल लेटर से डिनोट होंगे, जैसे कि ए
अब देखो यहाँ पे तीन तीन डायमेंशन मिल रही है, देखो ध्यान से, ये लेंथ, देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ए पे आके मिल रही है, नहीं मिल रही है, हर कोने पे तीन डायमेंशन आके मिल रही है, चेक करो। चलो सी पे चेक करते हैं, सी पे देखो ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ और ये हो गई हमारी हाइट, मिल रही है। तो हर कोने पे, इस रूम में देख लो, इस फिगर में देख लो, हर कोने, मतलब वर्टेक्स का मतलब ही वो होता है जहां पे साइड्स आके मिले, तीनों साइड्स जहां पे आके मिले, लेंथ ब्रेथ हाइट टाइप की तीन साइड्स जहां पे आके मिले। ओके, रेक्टेंगल में दो साइड्स मिलती है, इसमें तीन साइड्स मिल रही है, डन, क्लियर। सो इसके वर्टिसेस को हम ए बी सी डी, पीछे वाले फेस को ई एफ जी एच, और पीछे वाले फेस को आगे वाले फेस से जोड़ने के लिए भी चार साइड्स चाहिए होंगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब साइड्स के बारे में जानते हैं, तो साइड्स कौन कौन सी हैं, साइड्स हैं ए बी, फिर बोलो बी एफ, फिर बोलो एफ ई, फिर बोलो ए ई, बोलते जाओ सी जी, जी एच या एच जी, डी एच, सी डी, और फिर हाइट, फ्लोर को ऊपर से कनेक्ट, फ्लोर को सीलिंग से कनेक्ट करने के लिए हाइट, ए डी, एच ई, बी सी, एफ जी। तो ये 12 एजेस हो गई, हो गई। अब छह फेसेस सुनो, छह फेसेस गिनवा रहा हूं। पहला फेस तो देखो फ्रंट ही फ्रंट पे दिख रहा है आपको, ए बी सी डी दिख रहा है, दिख रहा है क्या? जस्ट इसके पीछे देखो ई एफ जी एच, वो भी दिखा। ओके, दो फेसेस हो गए, तीसरा फेस आ जाओ बी एफ जी सी, ये भी एक फेस है इसका, इसके जस्ट अपोजिट आ जाओ ए ई एच डी, दिख गया। उसके बाद नीचे और ऊपर तो ए बी एफ ई पांचवा, और जस्ट इसके ऊपर डी सी जी एच छठा। तो ये छह फेसेस हो गए, फेसेस को चार कैपिटल लेटर से, साइड्स को दो कैपिटल लेटर से, वर्टेक्स को सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट कराया जाएगा एक क्यूबॉइड के अंदर, समझ आया? तो जो अभी मैंने आपको ओरली बताया वो सब लिखना है अब आपको फिगर बनाने के बाद। हेयर ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर द एट वर्टिसेस, पहले वर्टिसेस के बारे में बताओ, फिर साइड्स के बारे में बताओ, फिर फेसेस के बारे में बताओ। ठीक है, साइड्स मैंने 12 गिनवाई थी आपको, वही सब थी, ए बी बी सी सी डी ए डी ई एफ एफ जी जी एच ई एच ए ई बी एफ सी जी एंड डी एच। आप इस फिगर में वेरीफाई कर लेना, अगर किसी में कोई डाउट हो कि सर ये तो साइड लग नहीं रही है, ये तो वर्टेक्स लग नहीं रहा है, तो अभी पूछना, लिखते जाना फिगर में, वेरीफाई करते जाना अपने आप से ही, कि जैसे ए बी लिखा है तो ए बी साइड है या नहीं है, है। फिर बी सी दूसरी साइड है या नहीं है, है। सी डी ए डी, इस तरीके से। ओके, अब फेसेस, तो फेसेस मैंने आपको गिनवा दिया ओरली, अब लिख दें, तो इनके लिए तो लिख देना आर द 12 एजेस, एज को अपन साइड भी बोलते हैं, आर द 12 साइड्स या 12 एजेस। और अब छह फेसेस की बारी, अहद फिर से पेन से ड्रॉ कर रहे हो फिगर आप, चलो लेट अस टॉक अबाउट सिक्स फेसेस, ए बी सी डी ई एफ जी एच बी एफ जी सी ए ई एच डी ए बी एफ ई डी सी जी एच। इस फिगर के हिसाब से ये छह फेसेस हैं, आप वेरीफाई कर लेना है या नहीं है, है ना? इस फिगर के हिसाब से ये छह फेसेस हैं जो हमने ड्रॉ किया। अब फिगर चेंज होगा तो नाम चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, जो हमने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से ये छह फेसेस। ओके, सो इन शॉर्ट 8 वर्टिसेस, 12 एजेस और 6 फेसेस के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? नो। तो अब अगली बात कहूंगा मैं, इनसे बनने वाली और चीजों के बारे में बात करेंगे, इनके मिक्सचर से, कंपोजिशन। तो चले आगे, इतना नोट डाउन हो गया, इतना नोट डाउन हो गया। ओके, तो एक बार मैं फिगर पे वापस आ रहा हूं,
अब सुनिए बेटा, 12 एजेस पे वापस आइए आप, चाहे इस रूम में देखिए चाहे इस फिगर में देखिए, मतलब 12 एजेस के बारे में बोल रहा हूं, तो आप इमेजिन करो 12 एजेस कैसे होती है, होती है ना क्यूबॉइड में 12 एजेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 12 एजेस के बारे में सोचिए। इन 12 एजेस को 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया गया है, लेंथ ब्रेथ हाइट। दैट मींस इन 12 एजेस में से 4 एजेस तो लेंथ का पार्ट होती है, क्यूबॉइड के लेंथ का पार्ट होती है, 4 एजेस विड्थ या फिर ब्रेथ बोलते हैं, कई किसी जगह ब्रेथ बोल देते हैं, किसी जगह विड्थ बोल देते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई या मोटाई, ठीक है, और बची हुई 4 एजेस हाइट या फिर डेप्थ। अगर ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर है तो हाइट, और ऑब्जेक्ट जमीन के अंदर है तो डेप्थ, ऊंचाई या फिर गहराई। हाँ, इन शॉर्ट आप लेंथ ब्रेथ हाइट कह सकते हो, लेकिन ब्रेथ को विड्थ भी बोलते हैं और हाइट को डेप्थ भी बोलते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि डेप्थ आ जाए तो सर ये तो पांचवी डायमेंशन आ गई, चौथी डायमेंशन आ गई, नहीं, डायमेंशन 3 ही है, 3D से ज्यादा हम जा ही नहीं सकते। तो 12 एजेस को कितने डायमेंशन में डिवाइड कर दिया गया, 3, कौन कौन सी, लेंथ ब्रेथ हाइट, 4 लेंथ में, 4 एजेस लेंथ में जाएगी, 4 एजेस ब्रेथ में जाएगी, 4 एजेस हाइट में जाएगी। अब सवाल यह है कि कौन सी लेंथ में जाएंगी, कौन सी ब्रेथ में जाएंगी एंड कौन सी हाइट में जाएंगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। ओके, तो सुनना जरा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, जो बेस होता है उसमें कभी भी हाइट नहीं होती, जो बेस होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ होगा, और उसमें से जो बड़ा होगा वो लेंथ होगा और जो छोटा होगा वो ब्रेथ होगा। समझ आया, फिर से सुनो, जो बेस होता है, अब बेस जैसे ये फ्लोर है, जैसे इस पोडियम का बेस ये है, इस रूम का बेस ये है, तो जो बेस होगा उसमें कभी भी हाइट नहीं होगी, हाइट हमेशा दीवारों में होगी, हाइट हमेशा किसमें होगी, इसमें नहीं होगी। तो इधर की जो 4 डायमेंशन है, 1 2 3 4, इन 4 में से ये दोनों डायमेंशन बराबर है और ये दोनों डायमेंशन बराबर है, तो इनमें से ये 2 तो लेंथ है और 2 ब्रेथ है, उनमें से कैसे पता चले, लंबी वाली लेंथ और चौथी वाली ब्रेथ, क्या हुआ, ये दोनों लेंथ, ये और ये लेंथ और ये ब्रेड, तो ये तो 2-2 ही हुई, आप तो 4-4 कह रहे हो, तो जस्ट इनके अपोजिट आ जाओ ऊपर, देखो ये बेस है तो वो भी बेस है, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट्स, अभी अपन रूम को तो अपन सोच रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो, ऑब्जेक्ट मतलब अपन उसको हाथ में उठा सकते हैं, तो उसको हम उल्टा भी तो रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, तो ये बेस है तो वो भी बेस है, तो जिस तरीके से 4 का डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 4 का डिस्ट्रीब्यूशन उधर भी होगा, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेड, ये ब्रेड, समझ आई, तो 4 लेंथ गिनवा रहा हूं आपको, फिर से सुनो, पहली लेंथ उसके सामने, दूसरी लेंथ फ्लोर पे, अब ऊपर, तीसरी लेंथ और उसके सामने, चौथी लेंथ, तो 4 एजेस लेंथ की काउंट हो गई, बोलो आ रहा, अब 4 एजेस ब्रेड की गिनवा रहा हूं, पहले तो फ्लोर पे गिन लो, 1 और उसके जस्ट सामने 2, अब इसके सामने वाले फेस पे आओ, 1 और जस्ट उसके सामने 2, ओके, और 4 हाइट की बड़ी आसान है, 1 2 3 4, हाइट मतलब फ्लोर को, दोनों बेसेस को कनेक्ट करने वाली चीज, ये और ये 2 बेस है ना, इन दोनों बेसेस को जो भी चीज कनेक्ट करती है वो हाइट होती है, ओके, समझ आया। तो 12 एजेस को हमने 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया, वो क्लियर है ना आपको, ओके, तो नेक्स्ट हम वही करेंगे। अब फिर फेसेस को भी डिवाइड करूंगा, अभी मैं 12 एजेस को डिवाइड किया ना, मैं 6 फेस को भी डिवाइड करूंगा, तो पहले इतना लिख लेते हैं नोट्स डाल के। अ क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ हाइट, अ क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ हाइट। अभी फेसेस को ये सेकंड पॉइंट मत लिखना, फर्स्ट पॉइंट ही लिखना, सेकंड पॉइंट पहले समझा दें, अभी फर्स्ट समझा दिया तो फर्स्ट लिख दो। A cuboid has 3 dimensions, length, breadth and height. तो उस जो हमने फिगर बनाया उसके हिसाब से लेंथ जो बन रही है वो बन रही है ए बी ई एफ डी सी, और चारों बराबर होंगी ना, जैसे भी मैंने 4 लेंथ गिना, ये तो चारों बराबर होगी, अगर ये 8 मीटर की तो ये भी 8 मीटर की होगी, अगर ये कम ज्यादा है तो ये क्यूबॉइड ही नहीं है, ये क्यूबॉइड ही नहीं है, ये परफेक्ट क्यूबॉइड नहीं है। तो ए बी ई एफ डी सी एच जी, ये 4 लेंथ है, आपके फिगर से वेरीफाई करो या फिर अभी अपन ऊपर चल के वेरीफाई कर लेते हैं, ए बी ई एफ डी सी एच जी, लगे आप कर ही लो, देखो एक बार याद करो, ए बी ई एफ डी सी एच जी, आओ फिगर पे आओ, ए बी ई एफ डी सी और एच जी, देखो
ये रही ए बी, ये रही ए बी, जस्ट उसके सामने ये रही ई एफ, ये तो नीचे वाले बेस पे। अब इसके अपोजिट ऊपर वाले बेस पे भी चार लेंथ है, सी डी या डी सी या फिर एच डी। तो ये इस समय जो मैंने ब्लू मार्क किए हुए ये चार लेंथ है, इस फिगर में इस समय जो मैंने ब्लू मार्क की हुई है ना ये चार लेंथ है। अब चलो इस पहले मार्किंग का ही काम कर देते हैं फिर। अब रेड मार्क कर रहा हूं मैं ब्रेथ को, तो ए ई इसके सामने, बी एफ और फिर ऊपर आ जाओ डी एच और जी सी जी या जी सी। ये जो मैंने रेड मार्क कर ली ये चार हो गई हमारी ब्रेथ। और हाइट का काम क्या होता है, दोनों बेसिस को कनेक्ट करना। तो दोनों बेसिस को मैं ग्रीन मार्क कर देता हूं, जो कनेक्ट कर रही है ए डी नीचे वाले बेस को ऊपर वाले बेस से, एच ई बी सी एंड जी एफ। ओके क्लियर है ना, अब लिख दो। लिख दिया, तो अब छह फेसेस को डिवाइड करते हैं, इतना हो गया, यहां तक हो गया ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। बारह जिसका डिवीजन हो गया, चार लेंथ चार ब्रेथ चार हाइट में, चलिए तो सिक्स फेसेस को हम अगेन सिक्स फेसेस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहली कैटेगरी है L इंटू बी की, पहली कैटेगरी है लेंथ इंटू ब्रेथ की, दूसरी कैटेगरी है ब्रेथ इंटू हाइट की, और तीसरी कैटेगरी है लेंथ इंटू हाइट की। यानी छह फेसेस में से दो फेस तो लेंथ और ब्रेथ के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, दो फेस ब्रेथ और हाइट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, और दो फेस लेंथ और हाइट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जिसमें हमेशा याद रखना बेस जो होता है उसमें हाइट नहीं होता। अभी अभी बताया मैंने, बेस जो होता है उसमें हाइट नहीं, तो जो लेंथ और ब्रेथ के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वही बेस होंगे, ये और ये बेस की श्रेणी में नहीं आएंगे। जो ब्रेथ इंटू हाइट से बन रहा है वो बेस नहीं माना जाएगा, और लेंथ इंटू हाइट से बन रहा है उसको भी बेस नहीं माना जाएगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन से अभी पहली एक्सरसाइज में एक क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका ढक्कन तोड़ दिया किसी ने, अब बचे हुए का सरफेस एरिया निकालो। तो जब ढक्कन तोड़ दिया तो कौन सा डायमेंशन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, कौन सा फेस गया, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला गया या ब्रेथ इंटू हाइट वाला गया या लेंथ इंटू हाइट वाला गया। तो जब ढक्कन हटा दिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला आपका फेस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट हमेशा दीवारों में होती है, ढक्कन में दीवार थोड़ी ना, दीवार तो ये होगी ना, चार चार दीवार ये होगी। तो अगर एक एक दीवार टूट जाती, एक दीवार टूट जाती तो या तो वो ब्रेथ इनटू हाइट वाली दीवार होती या वो लेंथ इनटू हाइट वाली दीवार होती, क्योंकि हाइट हमेशा दीवारों में ही शामिल होगी, बेस में और उसके सामने वाला जो अपोजिट बेस है जिसको छत कह दो चाहे से आप, उसमें कभी भी हाइट नहीं होती। इसमें भी लेंथ इनटू ब्रेथ, उसमें भी लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें हाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ओके ठीक है चलो आओ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ से बनने वाले दो फेसेस इस रूम में बताओ पहले, तो फिर फिगर में बताना, बताओ भाई आ रहा हो। इस रूम में दो दीवारें ऐसी हैं जो लेंथ इनटू ब्रेथ से बनी है, छह दीवारें हैं क्या इस रूम में, छह दीवारें इंक्लूडिंग, इसको भी दीवारी कहते, तो छह फेसेस हैं इस रूम में, उसमें से दो तीन कैटेगरी में डिवाइड करती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ से बनने वाली दो दीवारें कौन सी, अभी अभी मैंने बताया हाइट इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी कि हाइट किसमें इन्वॉल्व नहीं होती, दीवारों में इन्वॉल्व नहीं होती। तो एक तो ये बेस होगा लेंथ इनटू ब्रेथ और इसके जस्ट सामने, आप ध्यान से देखो ये लेंथ थी ये ब्रेथ थी, तो ये फ्लोर लेंथ इनटू ब्रेथ से बना हुआ है, ऊपर आ जाओ ये लेंथ थी ये ब्रेथ थी, तो ये छत भी लेंथ इनटू ब्रेथ से बनी हुई है। ओके अब ब्रेथ इनटू हाइट से बनने वाली इस रूम के अंदर दो दीवारें बताओ, ब्रेथ इनटू हाइट ये सामने वाली दीवार और जस्ट उसके सामने वाली दीवार हो ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ इनटू हाइट से बनने वाली ये दो दीवार, ये दो दीवार लेंथ इनटू हाइट और सामने वाली लेंथ इनटू हाइट, समझ आई क्या, बोलो एनअप समझ आया, लेंथ इनटू हाइट से वो वाली दीवार बनेगी और दूसरी कौन सी बनेगी, एक पता चल जाए तो जस्ट दूसरी तो उसके अपोजिट रहती है हमेशा, तो दूसरी ये हो जाएगी लेंथ इनटू हाइट। यानी ये दोनों दीवारें लेंथ इनटू हाइट, ये दोनों दीवारें ब्रेथ इनटू हाइट और ये दोनों बेस लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है हो गया छह का क्लासिफिकेशन। अब आ जाओ उस फिगर में, अब उस फिगर में आ जाओ,
तो सबसे पहले वही लेंथ इनटू ब्रेथ से बनने वाले दो फेस बताओ, ए बी एफ बी, ये लेंथ इनटू ब्रेथ से बना हुआ है भाई, ये लेंथ थी, ये लेंथ थी, ये दोनों लेंथ थी और ये दोनों क्या थी, ब्रेथ थी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ से बनने वाले यही है, और जस्ट इसके सामने होगी होगी डी सी जी एच। अब जब अपन 12 डायमेंशन 12 एजेस को 4 डायमेंशन में डिवाइड कर रहे थे, जब अपन 12 एजेस को 4 डायमेंशन में डिवाइड कर रहे थे, तो वो 4 डायमेंशन में डिवाइड होने के बाद एक एक नहीं 3 डायमेंशन में डिवाइड कर रहे थे सॉरी, तो 3 डायमेंशन में डिवाइड करने के बाद हर एक डायमेंशन को चार चार एज मिली, तो वो चारों एज की लेंथ बराबर थी ना, ऊपर लिखा है ना हमने ए बी इक्वल टू बी सी ऐसे लिखा है ना कुछ। तो जब आप फेसेस को डिवाइड कर दिया तो फेस का क्या बराबर होगा, एरिया क्या बराबर होगा, क्योंकि फेस को एक 2D प्लेन है ना, तो प्लेन का क्या निकालते हैं हम, अभी अभी बताया था पेरीमीटर एंड हाइट और पेरीमीटर एंड एरिया, तो पेरीमीटर भी बराबर होगा और एरिया भी बराबर होगा। तो इस फेस का एरिया मतलब ये एरिया ए बी एफ बी रेक्टेंगल का एरिया और ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया एग्जैक्टली बराबर होगा। इस रूम की बात करें, इस दीवार का एरिया, इस दीवार का एरिया बराबर होगा एग्जैक्टली इस दीवार का, इस दीवार का बराबर होगा, एंड इस बेस का और इस बेस का भी बराबर हो। ओके ना, तो ये हो गई लेंथ इनटू ब्रेथ से बनने वाली। अब ब्रेथ इनटू हाइट से बताओ, तो ब्रेथ इनटू हाइट से बनने वाला पहला फेस ये है या नहीं है बताओ, इसमें हाइट एंड ब्रेथ इन्वॉल्व है बी एफ सी सी, और जस्ट इसके सामने दूसरा वाला ए एच डी, ये ब्रेथ इनटू हाइट से बन रहा है। देखो ये ब्रेथ थी, ये ब्रेथ थी, ये हाइट थी और ये हाइट थी ना, और इस वाले फेस का एरिया, इस दीवार का एरिया और इस दीवार का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। चलो लेंथ इनटू हाइट से बनने वाला फेस बताओ, ये सामने जो जस्ट सामने आ रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये लेंथ, ये हाइट, फिर ये लेंथ, फिर ये हाइट, और जस्ट इसके पीछे वाला ई एफ जी एच, इस रूम में ये दोनों, इस रूम में ये दोनों है ना, और इसका एरिया और इसके पीछे वाले फेस का एरिया बराबर होगा। ठीक है, समझ गए फिगर के अकॉर्डिंग एंड रूम के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पे लिख दो, तो बस ये सारी चीजें लिख दिया। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ से जो बन रहा है ए बी एफ ई बन रहा है और डी सी एच डी बन रहा है, इन दोनों का ए आर मतलब होता है एरिया, ए आर मतलब एरिया, इन दोनों का एरिया बराबर। देखो यहाँ पे लेंथ है ये ए बी लेंथ, ई एफ लेंथ, यहाँ पे एरिया बनेगा, वहां पे लेंथ बनेगी, यहाँ पे एरिया बनेगा। ओके ब्रेथ इनटू हाइट से बनने वाला एंड देन लेंथ इनटू हाइट। एक्सरसाइज में तो अभी काफी टाइम है, 2 से 3 दिन, और आपका कोर्स आधा तो कट ही गया, वैसे भी 4 में से 2 ही एक्सरसाइज करनी है, तो हमारे पास एम्पल टाइम है, आप इंट्रोडक्शन पे ज्यादा दिमाग लगाओ। ओके जब एक्सरसाइज ज्यादा होती है, जैसे लास्ट ईयर 8 एक्सरसाइज थी, तो थोड़ा सा 9th में आप जब लास्ट ईयर थे है ना, इसी चैप्टर में 8 एक्सरसाइज करी है ना आपने लास्ट ईयर, तो यही सारा इंट्रोडक्शन करा था, थोड़ा सा डेप्थ में नहीं किया होगा करा तो था तो हमने इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी किया होगा क्योंकि 8 एक्सरसाइज करनी है। अब इस साल तो 2 ही करनी है, तो आराम से करो 3 करनी है। ओके चलो, तो अब क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ जान गए हम लोग। तो अब जो 3 चीजें एक 3D ऑब्जेक्ट की निकाली जाती हैं, वो तीनों चीजें निकाल लेते हैं। पहली चीज होती है कर्व सरफेस एरिया, सेकंड थिंग इज टोटल सरफेस एरिया, एंड द थर्ड थिंग इज वॉल्यूम, थर्ड थिंग इज वॉल्यूम। अब क्योंकि ये जो रूम है या क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की जो दीवारें हैं वो फ्लैट है ना कि कर्व है, फ्लैट है या कर्व है बताओ, फ्लैट, तो फिर उसका नाम कर्व सरफेस एरिया ना कह के लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, वो बेटर रहेगा। हालांकि अगर हम इसको कर्व कह देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम करेक्ट वर्ड को यूज करें। ओके ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर 4 दीवारी का एरिया जिसको अपन एरिया फॉर वॉल्स कहते हैं, इसका फॉर्मूला। हाँ जी इधर देखो, मास्टर फॉर्मूला क्या था, रामबाण फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर ऑफ बेस यही था, इस रूम का बेस क्या है रेक्टेंगल, एक क्यूबॉइड का बेस क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है, बचपन से सीखा है, इनटू हाइट करूंगा, इस एच को 2 से मर्ज करो, ये बन गया आपका फॉर्मूला 2h into l plus t। अब आपको LSA ऑफ क्यूबॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, इन केस भूल जाए तो इस तरीके से रामबाण फॉर्मूला से हम डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव भी कर सकते हैं।
चलें टोटल में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में क्या होगा, लेटरल तो आएगा ही आएगा और बेस का एरिया भी शामिल हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया अभी अभी निकाला है हमने 2h into l plus b से निकाला है ना, तो टोटल सरफेस एरिया इस ls से, यानी लेटरल तो आएगा ही आएगा, बेसिस का एरिया और शामिल होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया जो हमने निकाला भी 2h into l plus b और बेस का एरिया, तो बेस क्या है अभी अभी बताया था, बेस में हाइट शामिल नहीं है, तो बेस वाला जो फेस है उसमें लेंथ और ब्रेथ ही शामिल है, तो उसका एरिया l into b और ऐसे दो फेस है तो 2 into l into b। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इधर 2h into l 2lh, 2h into b 2bh और 2 into lb 2lb। इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो 2 into lb plus bh plus lh, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया एक क्यूब। बोलो मैम क्या कंफ्यूजन हो रहा है, हो गया नोट डाउन? अब सारे बच्चे सुनो, अगर सपोज करो हम ये फॉर्मूला भी भूल गए और डेरिवेशन भी भूल गए, तो क्यूबॉइड के केस में तो जिस रूम में आप बैठे हो मोस्ट प्रोबेबली वो सिक्स फेस्ड रूम ही होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उसको कंसीडर कर लो, जैसे दीवारों का एरिया चाहिए, सर ने कहा था ये ब्रेथ इनटू हाइट है, ब्रेथ इनटू हाइट है, लेंथ इनटू हाइट है, लेंथ, तो एलबी एलबी 2lb, bh bh 2bh, तो दीवारों का एरिया lb, दूसरा वाला lb, सॉरी lb थोड़ी ना, lh lh हाइट होगी ना हमेशा, दीवारों में क्या होगी हमेशा हाइट, lh lh और bh bh, तो पहली दीवार lh, उसके सामने वाली दूसरी lh, उसके सामने वाली नहीं ये वाली bh और उसके सामने वाली दूसरी bh, इसी को तो ऐड करोगे, चलो इनको ऐड करते हैं, तो lh plus lh bh plus bh, इसमें से 2 और h दोनों में कॉमन है, तो 2h into l plus b, यही फॉर्मूला बना के चेक करो। चलो अब किसी ने कहा टोटल निकालो सर, टोटल निकालें, lb lb दो बार lb, bh bh दो बार bh, दो बार lh, तो 2 कॉमन लेके भाई दो 2lb plus 2bh plus 2lh करेंगे, तो 2 कॉमन लेके lb plus bh plus lh, तो जिस रूम में हम बैठे हैं उसके दीवारों को ही कंसीडर करके हम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए? ओके क्लियर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला क्या था, तो बेस है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू हाइट, यानी एल बी एच हो जाएगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस into height। हाँ, और ये चौथी चीज मैंने आपको कहा था कि किसी किसी ऑब्जेक्ट में एक आध चीज एक्स्ट्रा भी होगी, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में होगा डायगनल, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होगा डायगनल, हाँ इसका डेरिवेशन अभी देंगे, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होगा डायगनल, सिमिलरली कोण में आ जाएगी स्लेंटाइट, तो कुछ एक आध चीज एक्स्ट्रा होती है हमेशा ना, तो ये लेंथ ऑफ डायगनल इस वॉल्यूम का पार्ट नहीं है, ये अलग चीज है ना, चौथी चीज है, सेलेक्ट नहीं कर रहा इसको, जब पूरे को ही करेगा करेगा। कोई बात नहीं, पूरे को ही कर दे, ये मतलब डिफरेंट चीज है ना, वॉल्यूम से अलग है ये, ओके। सो लेंथ ऑफ डायगनल लिखो एक बार आप, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्यूब आप कल ही स्टार्ट करेंगे, अब डायगनल के बारे में चर्चा कर लेते हैं लास्ट थिंग। तो क्यूबॉइड हो जाएगा पूरा, क्यूब में इससे आधा टाइम लगेगा, क्योंकि क्यूब को अपन क्यूबॉइड के नजरिए से ही देखेंगे और उस चेंजेस करते करते क्यूबॉइड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं, पहले डायगनल की बात करते हैं, बताओ डायगनल का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, जैसे कि रेक्टेंगल के अंदर डायगनल कुछ ऐसा बनता था, ये रेक्टेंगल है
इसका डायगोनल कैसा बनता था, ये अपोजिट वर्टिसेस हो गई आमने सामने की, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल। पर डायगोनल की एक डेफिनेशन और होती है, डायगोनल हमेशा उस फिगर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर से इंटीरियर से होता हुआ गुजरता है। तो ये इंटीरियर से होता हुआ गुजर रहा है, तो जब अपन एक 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो वो भी इसके अंदर से होता हुआ गुजरना। अब सुनना सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि ये रूम है, तो इस रूम में 6 फेसेस हैं, तो 6 के 6 फेसेस रेक्टेंगुलर हैं, तो हर एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स बनते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, 6 × 2 = 12 डायगोनल बनेंगे, बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर इस दीवार पे मैं डायगोनल खींच दूं इस कोने से लेके उस कोने पे ऐसे डायगोनल खींच, तो ये डायगोनल इस रूम के अंदर से होता हुआ कहां कब गया? मैंने क्या कहा, डायगोनल हमेशा उस ऑब्जेक्ट के इंटीरियर से होता हुआ जाएगा, ये तो सरफेस पे ही रह गया, अंदर तो आया ही नहीं रूम के, समझ गए? जैसे इस दीवार पे मैं डायगोनल खींचूं उस कोने से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाकर, तो ये भी इस सरफेस पे ही रह गया, अंदर नहीं आया। तो डायगोनल वो चीज होती है, अब रेक्टेंगल में तो है ही 2 डायमेंशन, लेकिन क्यूबॉइड में तो 3 डायमेंशन है, तो उसको अंदर आना पड़ेगा, तो कौन से कोने से कौन सा कोना मिलेगा, और ऐसे करके कितने डायगोनल बनेंगे? 4 डायगोनल बनेंगे। 4 बनाऊ, वो कोना, ये कोना देख लिया। अब देखना ऐसे कैसे, ठीक है, अब ये कोना, अब ऐसे, तो ये 4 डायगोनल जो होंगे इस रूम के अंदर से मुझे मिलेंगे, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे, मतलब इस वर्टेक्स का एग्जैक्ट अपोजिट वर्टेक्स वो है, इस वर्टेक्स का एग्जैक्ट अपोजिट वर्टेक्स वो है, सिमिलरली इसका ये है और इसका वो, ठीक है, क्लियर है? तो ये 4 डायगोनल होते हैं एक क्यूबॉइड में, ना कि 12, 12 नहीं होते। जो दीवार पे बन रहा है वो, जो दीवार पे बन रहा है वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, लेकिन इस 3D ऑब्जेक्ट, इस रूम का डायगोनल वो एक 2D प्लेन का डायगोनल हो सकता है। 3D के लिए उसको अंदर आना पड़ेगा, 3D में आना पड़ेगा, अखाड़े में उतरना पड़ेगा, बाहर से बात नहीं कर सकता, वो गेट से हाई अलाउ नहीं कर सकता, अंदर आना पड़ेगा। चलो अब इसका डेरिवेशन कह रहा था, कोई कह रहा था, समझना है नहीं समझना उसको, तो नहीं समझना, समझना है? देखो भाई, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, ये रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, बहुत ज्यादा जल्दी है घर जाने की, रेक्टेंगल में हाइट कब से पैदा हो गई? ये डायगोनल है ना, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, और एक रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान रहे हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जिसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम, इसका स्क्वायर को जोड़ के और होल रूट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तो क्या बनेगी इसकी लेंथ, एल स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या बना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्यूबॉइड में क्या बन रहा है, एक उसमें 2 डायमेंशन थी, इसमें क्या है, 3 डायमेंशन है, तो एच स्क्वायर और जोड़ दो। पर आप कहोगे सर ये तो कोई डेरिवेशन नहीं हुआ, ये तो कोई डेरिवेशन नहीं हुआ कि उसमें 2 डायमेंशन थी, जैसे इसमें करके बताया वैसे करके बताओ, मैं करके बता रहा हूं, पर याद करने का तरीका बता रहा हूं, कि रेक्टेंगल में डेरिवेशन कर लोगे ना, जब देखो रेक्टेंगल में तो डेरिवेशन कर ही लोगे पाइथागोरस से, तो याद कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ना प्रूव करने बैठना है, एग्जाम में तो याद आ जाए टाइम पे वो बड़ी बात है। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, आप कहोगे यार वो रेक्टेंगल में था 2 ही डायमेंशन थी, अभी तीसरी डायमेंशन हाइट भी है, तो उसके साथ चलो एच स्क्वायर और जोड़ देते हैं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन देखो, आप एक काम करो, इस रूम से इमेजिन करते हैं ना, इस रूम में जैसे कोई भी एक दीवार पकड़ लो, ये वाली, हाँ, या फ्लोर पकड़ लो, फ्लोर पकड़ लो, क्योंकि फ्लोर में एल इनटू बी है ना, तो इस फ्लोर के अंदर एक डायगोनल बना सकता है, क्योंकि फ्लोर के अंदर, नॉट इन दिस ऑब्जेक्ट, इस रूम के अंदर नहीं, फ्लोर के अंदर, कोने में मिला दूं, फ्लोर पे ही रहेगी वो डायगोनल रहेगी। आप सुनना ध्यान, ये जो लाइन बनी, इमेजिनरी मानो एक लाइन बनी, और ये लाइन ऊपर कोने पे, और फिर उस कोने पे क्या ट्राइंगल बन रहा है, चेक करो, बन रहा है न,
रहा है ना, क्योंकि एक 3D ऑब्जेक्ट में हर फेस दूसरे फेस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये फ्लोर इस दीवार से परपेंडिकुलर है, तो इस फ्लोर पे लाए होने वाली हर एक लाइन इस दीवार पे लाए होने वाली हर एक लाइन से परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि फ्लोर ही फ्लोर से परपेंडिकुलर है। तो फ्लोर पे कोई लाइन ड्रॉ कर दे, इस दीवार पे कोई लाइन ड्रॉ कर दे, तो वो लाइन भी लाइन से परपेंडिकुलर होगी, होगी ना भैया? तो ये फ्लोर पे वो डायग्राम खींची मैंने, तो वो फ्लोर पे है और ये जो लाइन है दीवार पे चढ़ रही है, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे से, एंड देन फ्रॉम दैट कॉर्नर टू दैट कॉर्नर इफ वी आर कनेक्टिंग द डायगोनल ऑफ दिस रूम, इस रूम के डायगोनल के बारे में हम सोच रहे हैं, सो इट इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल? सो इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सेकंड ट्रायंगल कुछ कर सकता है, मुझे बताओ इसकी लाइन क्या निकालनी है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाली थी, ठीक है? तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसकी लेंथ निकाल ही चुके हो, निकाल चुके हो ना, ये इसकी लेंथ आ गई, और ये जो है ये हाइट है, इसको आप क्या कहोगे? h, इसको आप क्या कहोगे? h। अब जब डायगोनल निकालोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के रूट करोगे, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे और फिर जब आप इसका स्क्वायर करोगे और जोड़ोगे तो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड होल रूट, एंड हियर कम्स द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। इज इट क्लियर टू ऑल? फाइन, चलो चलो बाकी क्यूब करते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।